हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ किंजल और ये वाटरप्रूफ मेकअप मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि ये वाटरप्रूफ मेकअप मैंने कैसे किया है। इतनी गर्मियों में भी आप कर सकते हो। और ये जो मेकअप मैंने किया है ना, वो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट के साथ, यानी कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ किया है, जो आप सबके पास भी अवेलेबल होगी वैसी प्रोडक्ट से किया है। कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं की है। ये मैं रगड़ के भी दिखा रही हूँ, टच करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए। मैंने टिश्यू से भी दिखाया। तो कैसे किया है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिल ग्रीन का जो है वो टोनर यूज़ किया है। आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मेकअप करते हो तब। सो आपको सबसे पहले तो ऐसे डैप डैप करके अच्छे से आपकी स्किन को प्रेप कर लेना है। इसको टोनर को लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं स्किन सीक्रेट का जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपकी स्किन ड्राई हो, आपकी स्किन ऑयली हो, मॉइस्चराइज़र मस्ट हैव है, आपको लगाना ही लगाना है। तो ये मैं लगा रही हूँ और उसको अच्छे से 2 मिनट तक एब्जॉर्ब होने देना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर भी कंपलसरी यूज़ करना है। आपको फ्लॉलेस लुक चाहिए तो आपको कंपलसरी प्राइमर यूज़ करना है, ताकि आपके ओपन पोर्स जो भी हो वो क्लोज हो जाएंगे और आपका बेस जो है वो फ्लॉलेस तो दिखेगा और लॉन्ग समय तक भी टिकेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉरएवर 52 एंड एले गर्ल का मैं फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ। उसमें इशू ये आ रहा था कि फॉरएवर 52 वाला जो फाउंडेशन है वो डार्क शेड है, मेरी स्किन टोन से 16 नंबर का शेड है, और एले गर्ल का जो है वो फेयर शेड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेयर नहीं पसंद है। दोनों को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्किन से परफेक्ट शेड जो है वो मैच हो गया है। तो फिंगर की हेल्प से सबसे पहले तो ऐसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पर आपको फाउंडेशन लगा देना है, या फिर आप कोई फ्लैट ब्रश की मदद से भी फाउंडेशन लगा सकते हो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम लीजिए, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, अच्छे से ब्लेंड कीजिए, ताकि आपका लुक नेचुरल आएगा, आपकी फिनिशिंग जो है वो फ्लॉलेस दिखेगी, कहीं से भी आपका फेस जो है क्रैकी नहीं दिखेगा। इस तरह से डैप डैप करके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हो ब्लेंड होने के बाद जो है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लग रही है, कहीं से भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर मैं मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें शेड है 20 सेंड करके आईज़ के नीचे और सभी जगह पे फेस को हाईलाइट करने के लिए। सारी की सारी मैंने ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ही यूज़ की है, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप भी ऐसा वाटरप्रूफ मेकअप जो है वो अचीव कर पाओगे। ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक डालती हूँ, और मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आपको जो भी चाहिए वो वहाँ पे आप इंस्टा पे फॉलो करके देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद नायका का जो कंसीलर पैलेट आता है वो लिया है, और उसमें से जो सबसे डार्क वाला शेड है उसको कॉन्टोर एज अ कॉन्टोर की तरह मैं इसको लगा रही हूँ। कॉन्टोर जो क्रीम कॉन्टोर लगाते हैं वैसे ही कॉन्टोरिंग से क्या होगा कि आपका फेस जो है वो अच्छे से दिखेगा, फेस के जो फीचर्स है वो एनहेंस होंगे, फ्लैट नहीं लगेगा आपका फेस जो है वो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि नायका वाली ये पैलेट मत लीजिए, ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है और अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। मैक की जो पैलेट आती है वो ही लीजिए, आई नो की कॉस्टली है बट वर्थ इट है, ये वाली नहीं लीजिएगा। और उसके अलावा एक और सोफरेल की पैलेट आती है, जी पैलेट, या तो वो लीजिएगा। वो सारी डिटेल्स मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी शेयर की है, तो आप इंस्टा पे जाके देख सकते हो, किंजल देसाई 89 मेरा इंस्टा आईडी है। तो वहाँ पे आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक मेकअप रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिगार्डिंग मिल जाएंगे, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे के ब्यूटी का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और ये जो ब्रश है वो पी ए सी के मेकअप ब्रशेस बहुत अच्छे आते हैं, मिड रेंज में हमको मिल जाएंगे, बहुत सस्ते भी नहीं मिलेंगे, बहुत कॉस्टली भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं। 4-5 साल आपके कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, उससे भी ज़्यादा चलेंगे। मेबलिन का फिट में लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, जिसमें शेड है लाइट। आइस के नीचे जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया है वहाँ पर क्रीज लाइन ना आए और वो कंसीलर लॉन्ग समय तक टिके, और सारे फेस को भी हमें है ना स्माइल लाइन जो होती है और सभी जगह पे ब्लश और कॉन्टोरिंग को छोड़ के पूरे फेस पे अच्छे से बैक कर देने, मतलब कि बैकिंग कर देनी है लूज़ पाउडर से। आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद बीएससी का ब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ, एक एंगुलर ब्रश लेना है, उसके हेल्प से आपको आईब्रो फिलअप करनी है धीरे धीरे करके। आपको नेचुरल लुक चाहिए, इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, और अच्छा वाला शेप वाली आईब्रो चाहिए या थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, बोल्ड लुक चाहिए, तो आप जो है इस तरह का ब्रो पोमेड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वही मैं कंसीलर ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी का एज रिवाइंड वाला,
20 नंबर का शेड और उसको मैं लगा रही हूँ। और वही लूज़ पाउडर लिया है मेबलिन का और उससे डैप डैप करके अच्छे से उसको सेट कर लूँगी। आई लुक जब भी करते हो तो आपको कंसीलर या आई प्राइमर जो आता है वो लगाना ही लगाना है, ताकि आपके जो जो आई शेडो है ना उसके कलर जो है पिगमेंटेशन है उभर के आएंगे। यहाँ पे मैं मोर्फी की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वो लाइट ब्राउन वाला शेड लिया जो आपको दिखाया। और ये जो ब्रश है वो बिग ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं उसको, वो लिया है। और एज अ ट्रांजिशन शेड मैं वो लगा रही हूँ। ये ब्रश जो है वो मार्स का है, PSC का ग्लिटर व्यू है, आइकोनिक का स्टार डस्ट वाला लूज ग्लिटर है जिसमें शेड है डिस्को बॉल करके। इस तरह से आईज़ पे मैंने ये ग्लिटर ग्लू लगा दिया है, एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसको फैला रही हूँ डैप डैप करके, जैसे कि हम हाफ कट क्रीज करते हैं वैसे ही सबसे पहले। और उसके बाद उसके ऊपर ये लूज ग्लिटर लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छे ग्लिटर है, जब भी आप रिसेप्शन लुक करते हो या पार्टी ग्लेम लुक या इवनिंग लुक या जिसमें सिल्वर वर्क है, जैसे कि मैंने कुर्ती पहनी है उसमें भी सिल्वर वर्क है, उसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था ये आई लुक, इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है एक्चुअली में। फिर यहाँ पे फेसिस कैनेडा की मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। ये अल्टीमेट प्रो काजल आती है 500 से लेके 600 रुपीज़ की रेंज में, आई थिंक मिलती है, अमेजोन नाइका पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी है। आप कोई अच्छी वाली काजल ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी गाइस, एक बार लीजिएगा, यूज़ कीजिएगा और मुझे इसका रिव्यू भी दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। उसके पीछे ऐसा स्मजर मिलता है, उसकी हेल्प से मैं स्मज कर रही हूँ। थोड़ा सा आई लुक को आईलाइनर नहीं लगाई मैंने, काजल को ही एज आईलाइनर लगा के थोड़ा सा स्मज कर दिया, और नीचे भी काजल लगा रही हूँ। और ये जो है ना बहुत बटरी टेक्सचर है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये जो है मेबलिन का कोलोसल मस्कारा है वो मैं लगा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा आता है, वाटरप्रूफ है, 250 तक आपको मिल जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोफेशनल मेकअप में भी इसको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। मैं PSC का फॉल्स आईलेसेस 55 नंबर का लगा रही हूँ। उसके बाद फॉरएवर 52 का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, 1 या 2 नंबर का शेड है, सारे हाई पॉइंट पर लगा देना है, चीक पे, नोज़ ब्रिज पे, सभी जगह पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी, थोड़ा सा चीन पे भी, सभी जगह पे लगा सकते हो, आगे से लेके पीछे तक लगा रहे हो ताकि जो है और थोड़ा सा ग्लोई ड्यूई फिनिश मिले। और उसके बाद के ब्यूटी का जो है वो मैं क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ, उसमें शेड है प्ले बैक करके, बहुत अच्छा न्यूड पिंक है, विदाउट मेकअप एवरी डे में भी ये शेड जाता है, और अभी न्यूड का तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो हैवी आई लुक करते हो तो ऑलवेज लिपस्टिक न्यूड रखनी है। अब मैं आपके सामने ही वाटर टेस्ट कर रही हूँ, वाटरप्रूफ मेकअप है या नहीं चेक कर लेते हैं। सारी जो प्रोडक्ट है वो मैंने अफोर्डेबल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ही यूज़ किए, ये आपके सामने ही पानी जो है मैं फेस पे मैंने इसको लगाया है पानी को, और अभी आपके सामने टिश्यू से मैं इसको डैप डैप करके भी दिखा रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो, आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, तो ये आगे पीछे दोनों तरफ दिखा देती हूँ और आपको रगड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो जैसे मैंने किया है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस पक्का कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक।